Hello guys, welcome back to my channel Ekta's Art Corner and I hope you all are good. And आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे बड़े कॉन्टेस्ट के बारे में जो कि होने जा रहा है इंडिया में. और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि ये है जो अभी होने जा रहा है इंडिया का बिगेस्ट आर्ट कॉन्टेस्ट. और इसका जो थीम है वो है हमारा डूडल फॉर गूगल, यानी कि हमें क्या करना है, इसमें डूडल करना है. किसके लिए करना है? गूगल के लिए करना है. तो ऑब्वियसली ये कौन हेल्प करा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, ये कराया जा रहा है बाय गूगल. तो गूगल क्या कह रहा है इस वाले कॉन्टेस्ट में कि आप सभी बच्चे डूडल करो और हमें सेंड करो, और फिर उसमें क्या होगा, फाइनलिस्ट को कुछ प्राइस मनी मिलेगी. अभी उसकी डिटेल्स मैं धीरे धीरे यहाँ पे आप सभी से शेयर करती जाऊंगी. तो सबसे पहले हमारा थीम है डूडल फॉर गूगल. तो इससे ही हमें समझ आ जाता है कि हमें करना क्या है, बेसिकली डूडलिंग करनी है. और फिर उसमें डूडल का भी हर साल जो है थीम होता है. ये बेसिकली जो कॉन्टेस्ट है ये हर साल आता है, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली इस कॉन्टेस्ट के बारे में नहीं पता था. अभी मुझे इस कॉन्टेस्ट के बारे में पता चला, इस कॉम्पिटिशन के बारे में, और मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन का बिना नहीं पता है. मुझे भी नहीं पता था. तो ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे और सब इसमें पार्टिसिपेट करें जो इंटरेस्टेड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ, ये जो कॉन्टेस्ट है ये होने वाला है क्लास 1 to 10. जो भी स्टूडेंट्स हैं जो रीड करते हैं, जो स्टडी करते हैं क्लास 1 से लेकर 10 तक, सिर्फ वो ही इस कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नॉट बिलो देन 1 और अबव देन 10 यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. जो बच्चे सिर्फ 1 to 10 में हैं वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और दूसरी कंडीशन ये है कि वो बच्चे का स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है. कोई बच्चा स्कूल में अगर नहीं पढ़ता या फिर अभी उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है तो वो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. जो बच्चे करंटली स्कूल में स्टडी कर रहे हैं 1 to 10 कोई भी क्लास में, वो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे सेकेंड चीज़ आती है कि इसका टॉपिक क्या है. डूडल तो हमें करना है गूगल के, लेकिन डूडल किस टॉपिक पे करना है, कुछ टॉपिक होता है डूडल का. तो यहाँ पे गूगल ने जो है टॉपिक हमें बताया है, इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स माई इंडिया विल, यानी कि मतलब नेक्स्ट 25 ईयर्स में मैं अपने इंडिया को कहाँ पे देखना चाहता हूँ, कहाँ पे विजन करना चाहती हूँ, कैसे मैं अपने इंडिया को डेवलप या फिर किसी भी तरीके से देखना चाहती हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो आए. तो यही इसका टॉपिक है, इन द नेक्स्ट 25 ईयर माय इंडिया विल. और ये होने वाला क्लास 1 to 10, ये बात भी हो गई है. और अभी जो है इसके फॉर्म ओपन हो चुके हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. और जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट होने वाली है वो होने वाली 30 सितंबर 2022. तो ये हो गई लास्ट डेट की बात. इससे पहले आप सभी प्लीज एनरोल कर दीजिए. और गाइस करना क्या है कि हमें एनरोल करना है, हमें अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है. और जो हम डूडल आर्ट बनाएंगे आप वो किसी भी तरीके से बना सकते हैं. आप वो क्रियॉन्स कलर से बना सकते हैं, पेंसिल कलर से बना सकते हैं, एक्रेलिक पेंट, वाटर कलर, स्केच पेन, एनीथिंग, एनी मटेरियल यू कैन यूज़. और फिर उसको बना के उसकी आपको करनी है पिक्चर क्लिक, और अलॉन्ग विद योर फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वहाँ पे आपको ये पिक्चर अपलोड करनी होगी. एक चॉइस तो ये है कि आप इसको ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी की इमेज में. और यहाँ पे इन्होंने सेकंड ऑप्शन ये दिया है कि अगर आप अपलोड करना नहीं चाहते हैं तो अलॉन्ग विद योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप इसको इनके ईमेल एड्रेस पे, जो इनका मेल एड्रेस है वहाँ पे इसको आप कुरियर भी कर सकते हैं. और जो फॉर्म है उस पर आपके गार्जियंस के या पेरेंट्स के साइन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो या तो आप इसको ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये हो गया. और सेकंड ऑप्शन है कि आप इसको कुरियर भी कर सकते हैं उनके दिए हुए मेल पे. तो फिर बात करते हैं यहाँ पे प्राइसेस की. तो यहाँ पे जो फर्स्ट फाइनलिस्ट होगा, नेशनल विनर होगा, सॉरी फाइनलिस्ट नहीं, जो नेशनल विनर होगा उसको यहाँ पे मिलने वाले हैं 5 लाख रुपीज़. ये इनकी प्राइज मनी है, 5 लाख रुपीज़ उस विनर को मिलेंगे. और उस विनर को और क्या मिलेगा, उस विनर को मौका मिलेगा 14 नवंबर पे गूगल पे डिस्प्ले होने का. और उनको एक और मौका, और उनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ट्रॉफी मिलेगी, वो तो मिलेगी ही. और उनको यहाँ पे मिलेगी गूगल का जो ऑफिस है उसमें पूरी ट्रिप, जो गूगल का ऑफिस है उसमें पूरा उनको घुमाया जाएगा, ट्रिप मिलेगी. 5 लाख रुपीज़ मिलेंगे, 2 लाख रुपीज़ मिलेंगे उनके स्कूल की पढ़ाई के लिए, इंटर्नशिप वगैरह के लिए. तो ये हुई विनर की बात. अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं. जब सभी बच्चे एनरोल कर चुके होंगे 30 सितंबर तक, फिर उसमें से ये लोग क्या करेंगे, जो 20 जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट करेंगे डूडल, 20 शॉर्टलिस्ट करने के बाद डूडल उसको ये अपलोड करेंगे इंटरनेट पे, और इंटरनेट पे होगी वोटिंग.
फिर पब्लिक देखेगी, वोटिंग होगी और फिर वहां से पब्लिक के वोट से जो फर्स्ट विनर है, नेशनल विनर, वो चूज होगा। बाकी जो 20 बच्चे फाइनलिस्ट हैं, जिनकी जो ये फाइनल करेंगे, जो वोटिंग वाले जो पार्ट है उसमें जाएंगे, उनको यहाँ पे मिलेगी एक तो सर्टिफिकेट मिलेगा और उनको भी फीचर करने का मौका दिया जाएगा, उनको भी गूगल फीचर करेगा अपनी वेबसाइट पे। तो ये बात हो गई है इसके बारे में, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एंड द लास्ट थिंग गाइस कि आप यहाँ पे एनरोल एंड रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी इनकी वो साइट, आप वहाँ पर जाए, क्लिक करें, आपको वहाँ पे दिख जाएगा पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वहाँ पे सारी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करें और अपने रजिस्ट्रेशन को डन कर दें। और प्लीज़ गाइज आप अभी से डूडल बनाना स्टार्ट कर लो, डूडल बना दो, 30 सितंबर तक अपलोड कर दो उसको। तो ये थी आज की इतनी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे गाइज। अगर आप प्लीज़ इसमें थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं तो प्लीज़ डूडल बनाओ, गूगल के लिए बनाओ, हो सकता है आप ही हो वो जिसको हम देखेंगे कि येस दिस इज द विनर ऑफ द गूगल फॉर डूडल, और हो सकता है आप ही वो हो जो इस वाले सीजन के विनर हो 2022 डूडल फॉर गूगल। तो मैं चाहूंगी प्लीज आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, किसी भी टॉपिक पे आप ये कर सकते हैं ना, टॉपिक तो इन्होंने एक ही दिया है बट उसके थीम जो भी आपके माइंड में है वो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 25 में आपको कैसे देखना, आपका क्या विजन है। तो गाइज अगर आप चाहते हैं, अगर आपको एनरोल करना नहीं आ रहा, आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बना सकते हैं, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगी, फिर उसमें आपको बताऊंगी कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो गाइज प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड शेयर, यस गाइज इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि अभी तक मैं YouTube पर सर्च करके मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं मिली है इस टॉपिक को लेकर। तो अपने फ्रेंड्स में फैमिली में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि कैसे जो है ये पूरा प्रोसेस है, ताकि वो भी लोग पार्टिसिपेट कर पाएं। एंड गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।